हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं विद्युत लोको सेट गाजियाबाद में सहायक मंडल विद्युत अभियंता के रूप में कार्यरत हूँ और मैं आप सबका इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लोकोमोटिव के ड्राइविंग मोड के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ड्राइविंग मोड एक्टिवेट होने के लिए जो प्रीरिक्विजिट है वह यह है कि लोकोमोटिव का जो बैटरी है वो चार्ज होना चाहिए। चार्ज्ड मीन्स ग्रेटर देन 82 वोल्ट और MCB 112 क्लोज होना चाहिए और MCB 112.1 वह भी क्लोज होना चाहिए और MCB 127.81 यह भी क्लोज होना चाहिए। अगर ऊपर के चारों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो पोटेंशियल 2067 जो है वो हाई रहेगा, और अगर 2067 हाई है तो कोई भी ड्राइवर या फिर टेक्नीशियन अगर BLK को कैब एक्टिवेशन स्विच में ड्राइविंग मोड में रखता है तो ड्राइविंग मोड एक्टिवेट होगा। वेल, अभी आपके विंडो स्क्रीन पे थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का पेज नंबर 8A खुला है और हम ड्राइविंग मोड को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये जो स्विच है, ये जो कैब एक्टिवेशन स्विच है, इसको 125/1 से शो किया गया है और इस कैब एक्टिवेशन स्विच पे तीन मोड लिखे हैं, D फॉर ड्राइविंग, O फॉर ओपन और C फॉर कूलिंग मोड। यहाँ पे एक और चीज है जो कि ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे डार्क नहीं है। डार्क का मतलब हम यहां से देख सकते हैं कि ओपन होता है और जो डार्क नहीं है उसका मतलब क्लोज होता है। आई मीन टू से दैट अगर 125/1 कैब एक्टिवेशन स्विच में अगर BLK एंटर करते हैं और अगर इसे ओपन में ही रखते हैं तो इंटरलॉक 9 एंड 10 ओपन होगा, जबकि अगर इसे हम ड्राइव पे रखते हैं तो इंटरलॉक 9 और 10 क्लोज हो जाएगा और अगर इसे कूलिंग मोड में रखते हैं तो इंटरलॉक 9 और 10 क्लोज हो जाएगा। जबकि अगर हम इसी 125 को यहां देखें और अगर इसे हम ड्राइविंग मोड में रखते हैं तो 102 इंटरलॉक क्लोज हो जाएगा, जबकि ओपन में या कूलिंग मोड में 102 इंटरलॉक ओपन ही रहेगा। अगर हम इस चीज को समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्किट में आगे पोटेंशियल कैसे फ्लो कर रहा है। अभी हमने बताया कि 2067 जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और हमने कैब एक्टिवेशन स्विच को ड्राइविंग मोड में रखा है तो ये 9 और 10 इंटरलॉक से पोटेंशियल नीचे की ओर फ्लो करेगा और 2503 वायर की होते हुए 126.7/2 कॉन्टेक्टर के NC इंटरलॉक के होते हुए यहाँ पर 126.7/1 कॉन्टेक्टर को इनर्जाइज करेगा। यहाँ पे एक चीज और जानने वाली बात है कि ये जो है ये सिंबल जो है ये कॉन्टेक्टर को शो करता है और इसके साथ में जो ये डायोड लगे हुए हैं ये स्नबर सर्किट को शो करता है। 126.7/1 जब इनर्जाइज होगा तो उसी समय इसका एक इंटरलॉक जो है NC इंटरलॉक वो 125/2 मीन्स कैब 2 के एक्टिवेशन स्विच के सर्किट में लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कैब 1 से लोको को इनर्जाइज कर रहे हैं तो हम कैब 2 से साइमल्टेनियसली लोको को इनर्जाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्किट में देख सकते हैं कि जब हम 125/1 से अगर ड्राइविंग मोड में आ रहे हैं तो 126.7/2 के NC इंटरलॉक होते हुए
126.7 बाय 1 कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो रहा है, उसके चलते यहां पर जो कैब 2 का एक्टिवेशन सर्किट है वो ब्रेक हो जा रहा है 126.7 बाय 1 की थ्रू। इसका मतलब बोथ कैब ऑक्यूपाइड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब दोनों कैब से एनर्जाइज नहीं किया जा सकता। अगर हम इस चीज को समझ पा रहे हैं तो यहां पर एक चीज और देख सकते हैं कि जब 125 बाय 1 से को ड्राइविंग मोड में रखा गया है तो अगर हम इस पोटेंशियल को फॉलो करें तो थ्रू 2503 ए वायर एंड थ्रू डायोड 123 बाय 1 एंड आफ्टर दैट वायर 2505 एंड आफ्टर दैट एनसी इंटरलॉक ऑफ 126.5 जो कि 126.5 का एमसीबी का है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, कि थ्रू 126 कॉन्टैक्टर को इनर्जाइज करता है। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जैसे ही बीएलकी को हमने कैब वन से ड्राइविंग मोड में रखा तो 126 कॉन्टैक्टर जो कि कॉन्टैक्टर फॉर कंट्रोल सर्किट है वो इनर्जाइज हुआ। जैसे ही कॉन्टैक्टर फॉर कंट्रोल सर्किट इनर्जाइज होगा उससे रिलेटेड जो भी एनसी और एनओ इंटरलॉक हैं वो चेंज होंगे। हम अभी पेज नंबर 4C पे हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्टर फॉर कंट्रोल सर्किट जो कि 126 है और जिसका लोकेशन SB1 में है, इसका एक इंटरलॉक एनओ इंटरलॉक दिया हुआ है जो कि आफ्टर इनर्जाइजेशन ऑफ कॉन्टैक्टर 126 एनसी बन जाएगा और इसके एनसी बनते ही 2094 जो कि ऑलरेडी हाई पोटेंशियल में है इस कंप्लीट सर्किट को इनर्जाइज करेगा। इसका मतलब कंट्रोल सर्किट ऑफ ऑक्सिलरी कंप्रेसर, कंट्रोल सर्किट ऑफ पेंटो वीसीबी, इमरजेंसी ब्रेक, ड्राइवर्स, कैब वन, न्यूमेटिक पैनल, कमिश्निंग टू, ये सभी जो कंट्रोल सर्किट हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। इस सर्किट में मैं ड्राइवर्स कैब वन के सर्किट को एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हमें पता है कि 2095 अभी हाई पोटेंशियल पे है और थ्रू 127.3 बाय 1 एमसीबी 2101 भी हाई पोटेंशियल पे है। हमें यह भी पता है कि हमने कैब वन को अभी ड्राइविंग मोड में रखा है तो 126.7 बाय 1 कॉन्टैक्टर इनर्जाइज है, इसलिए यह इंटरलॉक अभी एनसी इंटरलॉक है और इसीलिए 2111 अभी हाई पोटेंशियल पे है। अगर हम इसको फॉलो करें और पेज नंबर 8A पे जाएं और लेफ्ट मोस्ट साइड की सर्किट को देखें तो 2111 हाई पोटेंशियल पे है और कैब एक्टिवेशन स्विच को हमने ड्राइविंग मोड में रखा है, इसका मतलब 1 और 2 इंटरलॉक अभी क्लोज है और इसका मतलब 2500A अभी हाई पोटेंशियल पे है और इसका मतलब कॉन्टैक्टर 126.6 अभी इनर्जाइज है। अभी जैसा कि हमने बात करी कि हमारा कॉन्टैक्टर 126 जो कि कॉन्टैक्टर फॉर कंट्रोल सर्किट है वो इनर्जाइज है और इसके चलते ये कंप्लीट सर्किट जो कि कंट्रोल सर्किट है ये इनर्जाइज है। मैं इस चीज को फिर से कहना चाहूंगा कि 126 कॉन्टैक्टर फॉर कंट्रोल सर्किट है और इसके इनर्जाइज होने से ये कंप्लीट कंट्रोल सर्किट इनर्जाइज है, ना कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब 126 के इनर्जाइज होने से कंट्रोल सर्किट इनर्जाइज है और अभी इस पोजीशन पे हमें नहीं पता है कि हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इनर्जाइज है कि नहीं। यहाँ पे 2094 जो कि ऑलरेडी हाई पोटेंशियल पे था और ये कंप्लीट सर्किट भी हाई पोटेंशियल पे आ चुका है, तो इस चीज को समझने के लिए
कि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे एनर्जाइज होगा, यहाँ पे एक पॉइंट है जो हम लोग को देखना चाहिए, 127.82। जब 126 एनर्जाइज होगा तो ये 1 and 2 इंटरलॉक एनसी होगा, और 2095 ये हाई पोटेंशियल पे होगा, और थ्रू 127.82 एमसीबी 2069 भी हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा। और अगर हम 2069 को फॉलो करें तो हम 8B पे जाएंगे। ये पेज नंबर 8B है और यहां पर वायर नंबर 2069 है जो कि हाई पोटेंशियल पे है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। 211.1/1 और 211.1/2 हम यहां से देख सकते हैं कि ये थर्मोस्टेट है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसका मतलब अगर 126 कॉन्टेक्टर एनर्जाइज है और हमारे VCU का, हमारे सेल का टेम्परेचर 70 डिग्री से कम है, तो थ्रू 2510 वायर कॉन्टेक्टर 211 एनर्जाइज होगा। मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, 126 कॉन्टेक्टर एनर्जाइज है तो थ्रू 2069 वायर, और अगर सेल का टेम्परेचर 70 डिग्री से कम है तो थ्रू 2510 वायर हमारा कॉन्टेक्टर 211 एनर्जाइज होगा। यहीं पर अगर हम कॉन्टेक्टर फॉर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्टेक्टर के बारे में यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको देखें तो यहां पे 2069 जो कि ऑलरेडी हाई पोटेंशियल पे है, ये रिले है 86, और रिले 86 जो है ये मिनिमम वोल्टेज रिले है। मिनिमम वोल्टेज रिले का मतलब यह है कि अगर OHE में वोल्टेज नहीं है, मतलब पेंटोरेज नहीं है, मतलब अगर OHE वोल्टेज नहीं है तो ये NC रहेगा, और अगर OHE वोल्टेज है तो ये NO रहेगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये मिनिमम वोल्टेज रिले है। इसका मतलब अगर वोल्टेज नहीं है, OHE वोल्टेज नहीं है तो ये NC रहेगा, और अगर OHE वोल्टेज है तो ये NO रहेगा। और फिर सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा जब OHE वोल्टेज आएगा तो उसको हम लोग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस सिचुएशन पे 126 कॉन्टेक्टर क्लोज है, सॉरी 126 कॉन्टेक्टर एनर्जाइज है, उसके चलते 2069 हाई पोटेंशियल पे है, अभी OHE वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब थ्रू दिस इंटरलॉक ये पोटेंशियल नीचे की ओर आएगा, और ये 2511 पोटेंशियल है, और हमने भी जस्ट एक्सप्लेन किया कि 211 एनर्जाइज है। तो यहां पे 211 जो है ये एनसी में चेंज हो जाएगा ये इंटरलॉक, और हम लोगों ने ऑलरेडी 8A पेज पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि 126.6 कॉन्टेक्टर भी एनर्जाइज हो रहा था। लेट अस रिविजिट इट ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये पेज नंबर 8A है और यहां पर कॉन्टेक्टर 126.6 है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये हाई पोटेंशियल पे है, और जब ये हाई पोटेंशियल पे है तो 125/1 स्विच की थ्रू ये इनर्जाइज होगा। इसका मतलब कॉन्टेक्टर 126.6 इनर्जाइज है।
अब हम अगेन पेज 8B पे आते हैं और देखते हैं ये रिले एंस इंटरलॉक है, ये 126.6 ऑलरेडी इनर्जाइज है, इसका मतलब ये एंस इंटरलॉक में चेंज हो चुका है। 211 ऑलरेडी कॉन्टेक्टर इनर्जाइज है, इसीलिए ये भी एंस इंटरलॉक में चेंज हो चुका है, और इसका मतलब थ्रू 123/7 डायोड कॉन्टेक्टर 218 इनर्जाइज हो रहा है। इसका मतलब अब इस सिचुएशन पे मेरा कॉन्टेक्टर 218 इनर्जाइज हो रहा है, और 218 जो कॉन्टेक्टर है उसे कॉन्टेक्टर फॉर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, 126 को कॉन्टेक्टर फॉर कंट्रोल सर्किट कहते हैं, और 218 को कॉन्टेक्टर फॉर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कॉन्टेक्टर 218 जो कि कॉन्टेक्टर फॉर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इनर्जाइज कंडीशन में है, इसके चलते अगर हम इस सर्किट को देखें, ये पेज नंबर 40 है, तो यहाँ पे ये 218 का एनो इंटरलॉक एनसी में चेंज हो जाएगा, और इसके चलते 2096 अब हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा। अगर हम इस पेज को देखें तो यहाँ पे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कन्वर्टर 1, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ कन्वर्टर 2, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट यूनिट 1, गेट यूनिट 2, मॉनिटरिंग 1, मॉनिटरिंग 2, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स बर 1, बर 2, बर 3 इनर्जाइज हो जाएगा। और यहीं पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम इस 2096 को फॉलो करें तो ये 4E01 पे आ रहा है, और अगर हम 4E01 पेज पे आए तो हम यहाँ देख सकते हैं 4E01 पेज पे ये 2096 जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि हाई पोटेंशियल पे है, ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पावर सप्लाई, पावर सप्लाई 2, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पावर सप्लाई, इसका मतलब सेल 1 सेल 2 इस पेज से हम समझ सकते हैं, उसके अलावा SR1 SR2 बर 1 बर 2 बर 3 सबके कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी इनर्जाइज हो चुके हैं। अब ड्राइविंग मोड को अगर हम इस तरह से समझना चाहें तो ड्राइविंग मोड में 120 जो मेन कॉन्टेक्टर है 126 वो इनर्जाइज होता है, और अगर सेल का टेम्परेचर 70 डिग्री से कम है तो कॉन्टेक्टर 218 इनर्जाइज होता है, इससे कंप्लीटली कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इनर्जाइज हो जाता है।